श्रीलंका को पहले मैच में 8 विकेट से हराने के बाद अफगानिस्तान ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उनका दूसरा मैच है वर्सेस बांग्लादेश, खेला जाएगा 30 अगस्त को। बांग्लादेश का ये पहला मैच होगा इस एशिया कप का, तो क्या बांग्लादेश जीत के साथ करेगा शुरुआत या फिर अफगानिस्तान लगातार करेगा दूसरी जीत दर्ज, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अभी मैं आपके सामने हाजिर हूं एमएसपी लेकर, जहां पर हम बात करेंगे कैसा हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 कैसे दोनों टीम्स का, और मैं आपको बताऊंगा माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिससे आपका मैच देखने का मजा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे हमारी बॉडी की शुरुआत होती है हेड से, वैसे ही हमारी वीडियो की शुरुआत होती है हेड टू हेड से। तो देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसे है बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में। बोथ द टीम्स हैव फेस्ड ईच अदर इन 8 T20 मैचेस सो फार, 5 टाइम्स जीता है अफगानिस्तान एंड 3 टाइम्स बांग्लादेश। अब देखते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है न्यूट्रल वेन्यू पर। तो 3 बार हुआ है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और तीनों बार अफगानिस्तान ने बाजी मारी है। मैच खेला जाएगा शारजाह में। अगर यहाँ की पिच की बात करें तो ग्राउंड छोटा है, बैटर्स को हेल्प मिलेगी, वहीं पेसर्स ने यहाँ पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइलस्टोन्स दैट दीज फॉलोइंग प्लेयर्स वुड अचीव इन दिस मैच। शाकिब अल हसन इज जस्ट 1 मैच अवे फ्रॉम अपीयरिंग इन 100 T20 इंटरनेशनल्स। आफीफ हुसैन रिक्वायर्स 5 फोर्स टू कंप्लीट 100 फोर्स अक्रॉस 4 मैच। अनमुल हक नीड्स 60 रन्स टू कंप्लीट 500 रन्स इन द T20s। नजीबुल्ला सदरान रिक्वायर्स 2 फोर्स टू कंप्लीट 100 फोर्स इन द T20s। Rehmanullah Gurbaz requires 4 fours to complete 100 fours across 4 mats. It's time for the most interesting part of the video, players battle. Mushfiqur Rahim versus Rashid Khan. Mushfiqur Rahim ne Rashid Khan ke 16 deliveries ko pace kiya, 14 runs kiye aur do baar Rashid Khan ne unhe pavilion ka rasta dikhaya. Mehmudullah versus Rashid Khan. Mehmudullah ne Rashid Khan ki 37 deliveries ko pace kiya, 41 runs kiye and 2 times Rashid Khan got the best out of him. Mohammad Nabi versus Shakib Al Hasan. Mohammad Nabi ne Shakib Al Hasan ki 17 deliveries ko pace kiya, 9 runs kiye aur do baar Shakib Al Hasan ne wicket liya hai Mohammad Nabi ka. Bangladesh ki taraf se player to watch out for शाकिब अल हसन। अगर हम कहें he's the best all-rounder right now in the T20s तो गलत नहीं होगा। बांग्लादेश को कई बड़े मैचेस में जीत दिला चुके हैं, तो अगर बांग्लादेश को जीत के साथ शुरुआत करनी है तो शाकिब अल हसन को एक बड़ा रोल प्ले करना होगा। अफगानिस्तान की तरफ से प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हसरतुल्ला सजाई, 29 मैचेस में ऑलमोस्ट 35 की एवरेज के साथ रन किए। पिछले मैच में ये जबरदस्त फॉर्म में थे, तो अफगानिस्तान चाहेगा पिछले मैच के परफॉर्मेंस को वो दूसरे मैच में भी दोहराए। अब देखते हैं बांग्लादेश का प्रोडक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। अनमुल हक के साथ ओपनिंग करेंगे मुशफिकुर रहीम, फॉलोड बाय सबीर रहमान या फिर मोहम्मद नईम, इन दोनों में से कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। फिर आएंगे कैप्टन शाकिब अल हसन, महमूदुल्ला, आफीफ हुसैन, मेहदी हसन या फिर मोसडेक हुसैन, इन दोनों में से भी कोई एक होगा प्लेइंग 11 में। मोहम्मद सैफुद्दीन, नसू मेहमद, उनके बाद आएंगे तस्कीन अहमद और लास्ट में मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश के बाद अब सीधा चलते हैं अफगानिस्तान की तरफ और देखते हैं अफगानिस्तान का प्रोडक्टेड प्लेइंग 11 कैसा है। हसरतुल्ला जजाई के साथ ओपनिंग करेंगे रहमानुल्लाह गुरबाज, फॉलोड बाय इब्राहिम सदरान, उनके बाद नंबर आते हैं नजीबुल्ला सदरान का। फिर आएंगे कैप्टन मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद खान, अस्मतुल्ला उमारजी, नवीनुल्लाह, मुजीबुर रहमान और लास्ट में फजल अकबरुकी। तो गाइस मैंने आपको बताया हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11, माइलस्टोन्स, प्लेयर्स बैटल, पिच रिपोर्ट। तो आपने क्या अंदाजा लगाया इस मैच में कौन बाजी मारेगा, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बिल्कुल वैसे मंदिर में आई और घंटी बिना बजाई। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल विजिट नहीं किया तो गाइस एक बार होकर आओ, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे फिर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।